नमस्कार दर्शकों, मैं रीना शर्मा और आप देख रहे हैं K9 मीडिया, सच के साथ खबरें खास। सभी खास खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अरुण कुमार और आज चर्चा करेंगे एक खास रिपोर्ट पर। इनेलो में मचे घमासान पर, घमासान को कहीं ना कहीं शांत कर दिया गया है दुष्यंत और दिग्विजय के निष्कासन के बाद। शुक्रवार देर शाम एक पत्र जारी हुआ जिसमें कि दिग्विजय और दुष्यंत को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। संसदीय नेता के दल की जो जिम्मेवारी उनके पास थी उससे भी उनको मुक्त कर दिया गया है। और आज शनिवार की अगर बात करें तो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कई पदों पर नियुक्तियां भी कर दी है। युवा की जिम्मेवारी प्रदीप गिल को यहाँ पे दी गई है। ये एक ऐसा घमासान था जो काफी समय से चल रहा था, कहीं ना कहीं एक शीत युद्ध कह सकते हैं। कहीं ना कहीं अभय जो है वो भी पूरे प्रदेश में घूम घूम कर जनसभाएं कर रहे थे और दुष्यंत दिग्विजय भी, और उनके साथ उनकी माता हरिचुंडरी चौपाल के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रही थी। और कहीं ना कहीं ये तीनों नेता जो है अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की नब्ज टटोलने में लगे थे कि किसका रुझान कहां पे है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही नेता, लेकिन इस इन सब के बीच देखिए कार्यकर्ता की बड़ी फंसी हुई है इसमें, क्योंकि कार्यकर्ता जब दिग्विजय आते तो उनका भी सम्मान था, दुष्यंत आते उनका भी सम्मान था और अभय आते तो उनका भी सम्मान था। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा एक पोल भी K9 मीडिया द्वारा एक पोल भी क्रिएट किया गया था जिसमें दुष्यंत को 82% लोगों ने पसंद किया है जबकि अभय चौटाला को मात्र 12 से 13% लोगों ने पसंद किया है। इन सबके बीच जो कहीं ना कहीं दुष्यंत की पॉपुलैरिटी के आगे अभय की पॉपुलैरिटी फीकी पड़ रही है। अभय के पास आज सिर्फ पार्टी है, दुष्यंत के पास पार्टी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी व्हाट्सएप फेसबुक पर एक वायरल हो रही है तस्वीरें, वायरल हो रही कि दुष्यंत जहां हम वहां, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सभी युवा के अन्य पदाधिकारियों ने इस्तीफे अपने दिए हैं, पदों से मुक्त किया है। उनके निवास स्थान पर घर में जो पोस्टर लगे हुए थे जिनमें एनक का निशान, जो चुनाव चिन्ह ही है इनेलो का, उस पे उन्होंने एक दूसरा पोस्टर चस्पा किया कि दुष्यंत जहां हम वहां। इसी तरह के सारी वायरल जो है वीडियोस भी यहां पे हो रही है। और देखिए जो दुष्यंत है प्रदेश की जनता के बीच जा रहे थे वो क्या समस्या लेके जा रहे थे कि उन्हें सीएम नहीं बनना है, वो ओम प्रकाश चौटाला को जो इनेलो के सुप्रीमो है उनको ही चंडीगढ़ में देखना चाहते हैं बतौर मुख्यमंत्री। लेकिन ये एक भविष्य की बात थी क्योंकि दोनों अजय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला कहीं ना कहीं JBT घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और ये शायद मुमकिन भी नहीं था। लेकिन जो दुष्यंत है और अन्य तमाम पार्टी के नेता वो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला को एक लौह पुरुष के रूप में देखते हैं और इसी तरह से उन्हीं की दावेदारी को सीएम की दावेदारी माना जा रहा था। लेकिन इसमें बड़ा बवाल कहां पे आया, गोहाना में रैली हुई। गोहाना रैली में जो पार्टी के युवा कार्यकर्ता थे उन्होंने जमकर नारेबाजी की, आया आया सीएम आया, दुष्यंत को लेकर सीएम की दावेदारी का दावा पेश किया गया। जब इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का संबोधन शुरू हुआ था तो उस समय भी युवा शांत नहीं हुए और यही वजह थी कि इनेलो सुप्रीमो खासे नाराज थे इस चीज से। उन्होंने पहले दुष्यंत और दिग्विजय को निलंबित किया, जो पार्टी की अनुशासन समिति है उसको मामला सौंपा और वो जेल चले गए दोबारा, उन्हें वापिस जाना था। और देर शाम, शुक्रवार देर शाम ही दुष्यंत और दिग्विजय को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो नैना चौटाला है दुष्यंत और दिग्विजय की माता, वो भी हरिचुंडरी चौपाल के माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच पहुंच रही थी और उनके जो भाषण थे उन्होंने भी साफ कर दिया था कि कहीं ना कहीं कोई सुलह का मैटर यहाँ पर नहीं है, कहीं ना कहीं जो है ये तय है कि इन दोनों को बाहर किया जाएगा और जनता के बीच वो ये सब लेके जाएंगे कि किस तरह से वो जाए, नई पार्टी बनाए या क्या करे। लेकिन देखिए ये पूरा घमासान मचा और इस घमासान को निष्कासन के बाद जो एक शांत हो गया है, हम कह सकते हैं कि एक उस आने वाले तूफान से पहले की शांति है जो 5 तारीख को अजय चौटाला जेल से बाहर आएंगे और बड़ा फैसला लेंगे यहाँ पे कि पार्टी बनानी है या क्या करना है आगे की, किस तरह की क्या रणनीति रहेगी। अगर कयास लगाए जाए और जनता की राय जानी जाए तो जनता की एक ही आवाज है कि दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि जनता चाहती है कि आप अलग पार्टी बनाए और उस अलग पार्टी के माध्यम से ही लोगों के बीच जाए, क्योंकि आज युवा से लेके बूढ़ा
जवान हर कोई दुष्यंत के ही नारे लगा रहा है। ऐसा क्या है दुष्यंत में? दुष्यंत के जो भाषण है उनमें सुने तो जो देवीलाल की छलक है वो कहीं ना कहीं दुष्यंत में भी दिखाई देती है। दुष्यंत में संयम है। दुष्यंत अपने आप को कभी उन्होंने सीएम का दावेदार पेश नहीं किया, कभी कोई पार्टी का कोई किसी भी पद के लिए उन्होंने पेश नहीं किया। उनके ऊपर जिम्मेवारी थी संसदीय दल के नेता की, उन्हें भी उन्होंने बतौर बखूबी निभाया। जब ओम प्रकाश चौटाला और उनके पिता डॉक्टर राजेश चौटाला जेल में गए तो चाचा अभय के साथ मिलकर दोनों भाइयों ने पूरी मेहनत से पार्टी को उठाया। लेकिन आज ऐसी क्या वजह रही, क्या वो नारे इतने नागवार गुजरे ओम प्रकाश चौटाला को कि इन दोनों का निष्कासन करना पड़ा। लेकिन अब समय है, 5 तारीख दूर नहीं है। 5 तारीख को अजय चौटाला बाहर आएंगे और बड़ी घोषणा यहां पर हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जननायक सेवा दल के माध्यम से दुष्यंत जो युवाओं के बीच थे, इनसो के माध्यम से जो दिग्विजय युवाओं के बीच थे, कहीं ना कहीं उसे दोबारा खड़ा करने का काम यहां पे किया जाएगा। और जननायक सेवा दल के नाम से हो सकता है एक नई पार्टी का गठन हो, और अगर नई पार्टी का गठन होता है तो प्रदेश में पहले से मौजूद इनेलो, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी के बाद ये एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी। क्योंकि चेहरे चर्चित हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और इन सब के बीच जो कार्यकर्ता इनेलो के आज इधर आज उधर घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जगह सिमटने का काम करेंगे। और केएनआई मीडिया द्वारा जो पोल क्रिएट किया गया था उसमें 82% लोगों ने दुष्यंत को पसंद किया था। तो प्रदेश की जनता करवट किस ओर लेती है और ये राजनीति क्या कुछ नए गुल खिलाती है, ये तो 5 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा। आप देखते रहे केएनआई मीडिया, ऐसे ही ताजा अपडेट आपको मिलते रहेंगे और सटीक राजनीतिक विश्लेषण मिलता रहेगा। धन्यवाद।